हेलो नमस्ते सलाम अलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। मेरी चैनल एसके मोहसिन अली में आपका स्वागत है। शाम को एस्प्लेनेड मॉल जाएंगे, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा मॉल है। मैंने पहले ही बताया था, उस मॉल पे कुछ शॉपिंग्स वगैरह भी करना है। वैसे कुछ रेस्टोरेंट चाय नाश्ता भी वहाँ खाना है। मतलब पूरा दिन आज संडे है, तो ऑफिस का काम छोड़ के बाकी जो भी अपना पर्सनल काम होती है या अपना लाइफस्टाइल होती है, जिसको मैं आपको बता सकूं, जो संडे वाला दिन भी एक सर्विस इंजीनियर या एक ऑफिस वर्कर क्या क्या काम करता है। ज़्यादातर संडे वाला दिन अगर घर रहता हूँ तो मैं मेरी बेटी को लेके, परिवार को लेके कहीं ना कहीं संडे निकल जाता हूँ घूमने के लिए। आजू बाजू में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, एक संडे अच्छा बिता के आता हूँ। अब यहाँ अकेला हूँ, भाई आ रहा है, तो भाई के साथ पूरा संडे फिर गुजारूँगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगेगा, बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि मैं बताया था पिछले वीडियो में, मेरा गाड़ी हर संडे मैं धोता हूँ। इस संडे भी गाड़ी का मतलब पूरा धूल मिट्टी पड़ा है, हल्का सा पानी वानी मार के इनको भी जा साफ सफाई करना पड़ेगा। मतलब उतना खास नहीं है, धोना ही पड़ेगा। कुछ कपड़े जो पूरे हफ्ते में यूज़ किया था, सारे कपड़े भी है जो धोने लायक है। काफ़ी ज़्यादा तो पूरा साफ सफाई करना है। हफ्ते में एक बार अच्छी तरह साफ सफाई करता हूँ, पर गंदा ही गंदा है। साफ सफाई रोटी बनाता हूँ तो रोटी का जो ऊपर का जो डस्ट होती है, उसका ज़्यादातर गंदगी है। झाड़ू आए जो कटक से आने वाले थे, अभी आए हैं, दोपहर का 1:30 बजे आए हैं। खाबो तो चलो रेस्टोरेंट। कौन सा है रेस्टोरेंट? है ब्रूबिक्स रेस्टोरेंट। मेरे साथ आ गया मेरा भाई, जिसके बारे में मैं बताया था सुबह, और ये ठीक है क्वालिटी। अभी चलेंगे यहाँ से पिज्ज़ा विज्ज़ा खा के। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो हम लोग अभी निकल गए खाना नाश्ता लंच करके, अभी जाएंगे धौलीगिरी, जो सम्राट अशोक का ये है, समाधि है। समाधि नहीं, वहाँ पे मेडिटेशन करता था। वहाँ चलते हैं, यहाँ से 1 घंटे का जर्नी रहेगा, आधा घंटे से 1 घंटे के बीच में वहीं जाके मिलते हैं। धौली पे आया था, लेकिन आज 2 जनवरी लॉकडाउन के वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया है, तो हम और मेरा भाई दोनों वापस फिर मॉल ही चलते हैं, जिससे बात हुई थी। एस्प्लेनेड मॉल जाएंगे शाम को, तो जल्दी चले जाते हैं, वहीं बैठते हैं, वहीं घूमते हैं। तो एस्प्लेनेड मॉल का नीचे आ गए ग्राउंड पे, गाड़ी पार्क कर रहे हैं और यहाँ से फिर ऊपर चलेंगे। संडे है, भीड़ तो रहेगी, तो बस सेकंड फ्लोर मिल के जा रहा है। तो आ गया, ऊपर चलते हैं, मॉल का पूरा व्यू दिखाते हैं आप लोग को। हम लोग मॉल में आए हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। एक तो जैकेट लेंगे और जीन्स, फिर यहाँ से शाम को निकलेंगे। स्मॉल में सारे दुकान रनिंग रहते हैं, और ऐसे भी संडे है तो भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है आज। मुफ्ती शेरवानी दुकान, चलते हैं होम सेंटर पे, पहला देखते हैं अंदर क्या क्या है। काफ़ी अच्छा है होम को डेकोर करने के लिए, इंटरनल
काफ़ी सारे सुंदर सुंदर आइटम हैं, काफ़ी सुंदर रहा है। देखो ब्रांड है, अच्छी तरीके की घड़ी भी है यहाँ, क्वालिटी वाला घड़ी, जो कि घर की हैंड प्रिंट, अगला प्रिंट हैंड प्रिंट। फटा लड़ने आ गया लाइफस्टाइल पे। इसी पे पिछला बार खरीदे थे जीन्स, तो 10% ऑफ रहेगा शायद, क्योंकि कूपन दिया था उसने, बोले अगले बार आओगे तो 10% ऑफ रहेगी, तो इसीलिए मैं लाइफस्टाइल पे आया, फ्लाइंग मशीन पे लेना था। वाले लगाना पूरा देखो ताले बुतार सारे ब्रांड, फूड कोर्ट, सारे ब्रांड का फूड इकट्ठे मिल जाएगा। काफ़ी बड़ा जगह है मतलब, और सारे देखो सब में एक ज़्यादा भीड़ है, लाइन लगे उसमें, देख रहे उसमें हाँ। सिनेपोलिस उल्टो फाइनली कुछ शॉपिंग वगैरह हो गया, भाई ने भी किया है, और अभी यहाँ से चलते हैं फिर डिनर के लिए, बाहर ही करेंगे, यहाँ तो लंच वगैरह किया था। काफ़ी भीड़ है आज, बैठने की भी जगह नहीं है। ये यहाँ का गेमिंग जोन है, बच्चे की गेमिंग और ये बड़े की गेमिंग, टाइम जोन वाली। हाँ आज लग रहा है काफ़ी भीड़ है, लाइन दे रुकना पड़ेगा। हाँ लाइन तो लगा हुआ है जोनी, अरे बाप रे काफ़ी भीड़ है। भाई साहब काफ़ी भीड़ है, लाइन दे के घूमना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं है, हम लोग वापस जा रहे हैं। शाम को आए थे इधर, सोच रहे थे कुछ गेमिंग जोन में टाइम पास कर लूँ निकलने से पहले, लेकिन गेमिंग जोन में इतना भीड़ पड़ा हुआ है जो वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, सब लाइन दे खड़ा हुआ है, तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए और ये हम अब निकलेंगे मॉल से। सर वो लास्ट लिफ्ट में B1 है ना? हाँ B2 नहीं जाएगा? B2 नहीं जाएगा, हम लोग का गाड़ी तो B2 पे है। यहाँ से पैदल हम लोग मॉल से निकल के आ गए, वहाँ कुछ लुइस फिलिप का जैकेट मोलना था, वो ब्रांड मिला नहीं, तो हम लोग फिर बाहर आउटलेट में आए हैं, आगे एक ये है, यहाँ मिलेगा, देख लेते हैं। स्टेशन का एरिया है, नहीं नहीं अच्छा है, काफ़ी चौड़े चौड़े रास्ता है, यहाँ देखने लायक है, शाम को भी घूमने लायक। उसके बाद चलेंगे खाऊ गली डिनर करने, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है वहाँ, यहाँ का फेमस है भुवनेश्वर में, तो खाओ गली में डिनर करके फिर भाई को छोड़ेंगे, कटक जाएगा, उसका कुछ काम है। कितना अच्छा लाइटिंग वगैरह यहाँ किया है, शाम को न्यू ईयर का लाइटिंग वगैरह सजाया दुकानों ने, अच्छी है, संडे भी है तो घूमने लायक जगह भी है।